विभागों के आपसी समन्वय न होने की सजा भुगत रहे विद्यार्थी वर्ग छात्रवृत्ति पाने के लिए आए दिन विकास भवन के चक्कर लगाने और मजबूर हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की गड़बड़ियों के चलते वे विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। समस्या यह है कि स्कॉलरशिप जो है, जो छात्रवृत्ति है, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे OBC, चाहे जनरल, SC ST जो है, सभी जगह जो है छात्र परेशान हो रहे हैं। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है और कोई उचित जो है ठोस कार्रवाई नहीं की दी जा रही है, और सिर्फ कोरा आश्वासन दे करके और बच्चों को यहाँ से लौटा दिया जा रहा है, जिससे छात्र रोज प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं और अपनी समस्या, लेकिन वो बिना समस्या निदान किए हुए खाली हाथ लौट रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। और साथ ही मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा कि प्रशासनिक जो भी यहाँ के उत्तरदायित्व व्यक्ति हैं, वो लोग इस पर ठोस कदम उठाएं ताकि छात्रों को परेशान न होना पड़े और जल्द से जल्द सारे फॉर्मों को फॉरवर्ड करने की ये लोग जो है अग्रिम कार्रवाई करें। तो ये मेरे जूनियर का स्कॉलरशिप फॉर्म है, इसमें दिक्कत ये है कि पिछली बार स्कॉलरशिप इन्हीं जो फॉर्म थे नम आ गया था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि रिजल्ट जो आया हुआ है, पिछली बार हम लोग को प्रमोट किया गया है सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनका पूरा रिजल्ट दोनों का कैलकुलेट करके 63% बन रहा है, लेकिन जो समाज कल्याण ऑफिस में जिस वजह से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है उसमें 33% का है। इसमें रोल नंबर मैच नहीं हो पा रहा है, मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है, जबकि ऐसा कोई डेटा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा चल रहा है तो ये तो डेटा पूरा अपलोड है ऑनलाइन साइट पर। अगर कॉलेज का पूरा सही है, क्योंकि कॉलेज ने ये देखिए खुद आप 63% दिखा रहा है कॉलेज, तो फिर 33% पे रिजेक्ट कैसे हो रहा है, ये बात करने के लिए है।